जय श्री श्याम दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। और इस बार का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि वो होने वाला है श्याम बाबा के मंदिर का। हम गए थे फागुन के महीने में 11 को श्याम बाबा के मंदिर में, तो आपको दिखाने वाले हैं कि हमें कैसा महसूस हुआ और हमने क्या क्या देखा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बन जाइए हमारे सफर में हमारा हम सफर। रिंगस जाने के लिए ट्रेन जाती है जिसका नाम है जन शताब्दी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने मेट्रो ली और वहाँ से हमें उतरना था शास्त्री पार्क पे। हमें ट्रेन जन शताब्दी पकड़नी है सराय रोला से। सराय रोला से ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये तो अजमेर तक जाती है, सराय रोला से बन के अजमेर तक जाती है। हमें बीच में उतरना है खाटू श्याम के लिए रिंगस। करीबन 40 मिनट में हमें मेट्रो ने छोड़ दिया था हमारे शास्त्री पार्क पे, और वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो कि रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। नीचे जाके रिक्शे लेने पड़ते हैं जो कि 20 रुपए में आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। तो नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मेले का वक्त था और धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ होती है। तो हमारा डब्बा थोड़ा पीछे की साइड था। ये पूरी ट्रेन जो होती है सीटिंग होती है, मतलब आपको सीट मिलती है बैठने के लिए। ये लेटने वाली, इसमें स्लीपर का भी और एसी का ऑप्शन नहीं होता, बट ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है तो अधिकतर लोग इसे प्रेफर करते हैं। उस ट्रेन में अधिकतर बाबा के भक्त ही होते हैं, और इस बार जिन लोगों की सीट कंफर्म नहीं हुई वो ऊपर की तरफ बैठे थे, यानी कि जहाँ बैग वैग रखे जाते, बट वो भी बहुत चौड़ी जगह थी तो वो लोग आराम से बैठ गए थे। जब मैं बैठी हुई थी पीछे से ना बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी जो कि गाने की थी और जयकारे लग रहे थे, तो माहौल बड़ा अलग सा था। मैंने सोचा उसे आपको भी सुनाऊंगी। ये ट्रेन 4:10 या 4:15 से सराय रोला से निकल जाती है, तो अगर आप जाओ तो जल्दी पहुंच जाना। हम आ गए नारनौल, आगे नील पठाना आने वाला है, उसके आगे रिंगस आएगा, फिर वहां से पग यात्रा लेके खाटू श्याम यात्रा करेंगे। नारनौल से लगभग आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा? आज गाड़ी लेट चल रही है, आज गाड़ी थोड़ा लेट है और आधा घंटा उसके आगे लगेगा। जैसा मम्मी ने बताया वैसा ही हुआ। ट्रेन करीबन 1 घंटे बाद स्टेशन पे पहुंचने वाली थी, मगर सारे श्रद्धालु उतर गए थे, अपनी सीट से उठ के खड़े हो गए थे और बाबा के जयकारे लगा रहे थे। तो वो माहौल और सभी लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि हर कोई वहीं जा रहा है। तो फाइनली हम रिंगस के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी सामने खड़ी है। हम 4 बजे इसमें चढ़े थे और 8:30 तक पहुंच चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, जिसके चक्कर में ना मतलब ऊपर वाले जो पुल है वो भी और अंडरपास वाले भी दोनों बहुत बुरे तरीके से बढ़ चुके हैं। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि आज 11 है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और कहने वालों ने ये भी बताया कि मेला लगा है आज पूरे रास्ते, तो देखते हैं कैसा होने वाला है। हमें तो निशान उठाना था इसलिए हमें चलना था पैदल, मगर अगर आपको पैदल नहीं चलना तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ऑटो भी मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगी, जीप भी मिल जाएगी। जो जीप टाइप की बड़ी गाड़ियां हैं वो 50 रुपये चार्ज करती हैं, ऑटो 40 रुपये चार्ज करते हैं और बस 30 रुपये चार्ज करती है। जैसे कांवर या कांवड़ लेके जाते हैं ना, यहाँ पे निशान लेके जाते बाबा को खुश करने के लिए या फिर बाबा को अपना प्यार दिखाने के लिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और इस निशान की पूजा करनी होती है, आपकी अपनी इच्छा होती है। वैसे हमने पूजा की थी, मतलब अगर आप फ्लाईओवर के नीचे जाओगे तो वहाँ पे पास ही में एक मंदिर भी है जहाँ पे निशानों की पूजा करके आपको इन्हें लेके जाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, और इसी मंदिर में नहाने की भी व्यवस्था हो रखी थी, तो जो नहा के अपना निशान उठाना चाहते हैं वो वहाँ पे नहा भी सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि फागुन के महीने में बाबा का दरबार एकदम दुल्हन की तरह सजा होता है, और हर एक श्रद्धालु अपना प्यार दिखाने के लिए वहाँ बाबा की सेवा में लगा होता है, और बाबा के श्रद्धालुओं की भी। हर थोड़ी दूरी पे कहीं चाय पकौड़े मिल रहे हैं तो कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं जगराते हो रहे हैं तो कहीं बैठने की जगह है। तो हमने टोल क्रॉस कर लिया है, हम टोल के नीचे हैं और अभी 11:30 बज चुके हैं। हमने शुरू 10 बजे किया था तो ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो
और सभी लोग बड़ी भक्ति से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। टोल से 500 मीटर की दूरी पर और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा भंडारा लगा था, जहाँ पे इडली, उसके पाव भाजी और चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पे, आइसक्रीम सब कुछ मिला था। तो यार भंडारे का नाम है पर मज़ा आ रहा था। वर्स्ट थिंग विच आई एम फाइंडिंग हेयर ना, मतलब जितने भी टाइम मैंने वॉक किया है वो ये है कि यहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे सामने ना मतलब करीबन 5 अनओपन बॉटल्स ना ऐसी पड़ी हुई हैं, और वो वेस्टेज इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने ले लिया बट इस्तेमाल नहीं किया। तो प्लीज़ हो सके तो नेक्स्ट टाइम यूज़ करो तो ही लेना। वही मेरी मम्मी मेरे को कह रही थी बट मैं तुम्हें भी यही कहूँ। तो हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं और हम टी ब्रेक ले रुके हैं। सब लोग अभी श्रद्धा से चल रहे हैं। देखो तो देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। और अभी टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है 12:12। हर थोड़ी दूर पे पुलिस है जो कि बाइकों को कारों को रास्ते पे नहीं जाने दे रही, और हर थोड़ी दूर पे भंडारे लग रहे हैं जो कि चाय नाश्ता और खाना दे रहे हैं। जय श्री श्याम। बहुत लंबा हो गया है, हमने 8 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं हम और बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 10 तो हो गया होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम चल रहे हैं। मेले का फ़ायदा ये है कि आसपास हर जगह लोग, लंबा सफ़र होने के कारण या तो जूते पहन के चलना चाहिए या फिर नंगे पाँव, वरना छाल होने का डर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो रास्ते में मशीन थी जहाँ मैंने अपने पैर मसाज कराए थे, जो कि 30 रुपये चार्ज कर रही थी। तो हम फाइनली तुरंतवार पहुंच चुके हैं, मतलब उसने पहले से ही लाइन को मतलब शिफ्ट कर दिया, उसके सामने से रास्ता बनाया जो कि उसके जस्ट सामने से जा रहा है, और इसके चक्कर में माफ करना पड़ेगा। आते वक्त हम तुरंतवार से आएंगे और लगभग 3 बज चुके हैं, तो अब देखते हैं कि हम कब तक लाइन में घुस के अंदर पहुँचेंगे। हर थोड़ी दूरी पे ना डॉक्टर्स और केमिस्ट भी थे कि अगर आपको किसी चीज़ की किसी दर्द की दवाई चाहिए तो वो भी वो अवेलेबल करवा रहे थे, मगर पैर में बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पे चलते चलते। पूरे गांव का चक्कर कटवा दिया था हमें इस रास्ते ने, और ऐसे हम बड़े से रास्ते से जा रहे थे मगर वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मंदिर पहुँच ही नहीं रहे थे। तो लगभग 3 किलोमीटर अंदर हम तुरंतार से आ चुके हैं और अब जाके लाइनें शुरू हुई हैं। टाइम हो चुका है करीबन 4 बजने वाले हैं, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, और यहाँ पे भी 4 से 5 लाइनें हैं। तो कुछ ने बोला था कि बाहर की साइड से पुरानी वाली लाइनों में जाना, अब अंदर जाके पता नहीं कौन सी लाइन नई हो गया पुरानी, तो चलो देखते हैं। मेरी मम्मी घर से प्रसाद लेके गई थी तो मैंने भी प्रसाद ले लिया। अंदर जाते वक्त अगर आप पहले भी आए हो तो याद होगा कि लाइनें बहुत घुमा के थी पहले, मगर अब एकदम सीधी हो गई हैं, मगर सीधा होने के बाद भी वो बहुत लंबी लगती हैं। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, हर 2 कदम की दूरी पे पुलिस थी, और छोटे बच्चे जो कि NCC के होते हैं उनकी भी शिफ्ट लगी हुई थी यहाँ पे कि लोगों से उन्हें फूल लेना है और देखना है कि हर कोई सीधी लाइन में जा रहा है या फिर नहीं।
बाबा के दर्शन करने के बाद हम तोरण द्वार की तरफ निकलने लगे और आसपास ना वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शॉप लगी थी और वहाँ पे घोड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि बाबा का जो है मतलब वाहन उन्हीं को माना जाता है। दर्शन करने करने में ही हमें 4:30 से 5 बज गए। उसके बाद हमें निकलना था स्टेशन की तरफ क्योंकि 8 बजे हमारी जन शताब्दी की ट्रेन थी जिससे हम आए थे और वही फास्टेस्ट ट्रेन में काउंट होती है। तो रिंगस से हमें वो पकड़नी थी मगर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वही वाला हाल जो आते वक्त हुआ था, मगर ट्रेन ने भी हमें सही टाइम पे स्टेशन पे छोड़ दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बाबा के घर जाना चाहते हो तो कोशिश करना आप जन शताब्दी ट्रेन पकड़ो, वो फास्टेस्ट है। उसके अलावा 2 और ट्रेन है उसके बारे में आप देख सकते हो। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और हमारी हर हफ्ते एक वीडियो आती है जो कि किसी जगह को एक्सप्लोर करने की होती है, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।